दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आज हम बात करने वाले हैं ESSL का जो सॉफ्टवेयर आता है उसके अंदर आप अपना जो अटेंडेंस मशीन है उसके अंदर आप कैसे ऐड कर सकते हो। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को यूटिलिटी और डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट में जाओगे तो आपको इधर दो ऑप्शन मिलेगा, एक TCP/IP और सेकंड USB। आप USB के थ्रू भी डेटा डाउनलोड कर सकते हो और TCP/IP के थ्रू भी। इसका जो डिफ़ॉल्ट IP है वो 192.168.1.201 है। अगर आपको इधर से कोई भी एडिट करना है तो यहाँ से राइट क्लिक करने का है और यहाँ से एडिट बटन प्रेस करने का है, तो ये सब फंक्शन जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा। अगर मशीन का आपको टाइमिंग सेट करना है तो आप यहाँ से सेट सिस्टम डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो, एडमिन को यहाँ से क्लियर कर सकते हो, डाउनलोड टू डू भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एडिट ग्रुप, क्लियर लॉग्स, रिस्टार्ट डिवाइस, व्यू डिवाइस स्टेटस, IP एड्रेस आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप IP एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, यूजर डिवाइस, आप मशीन के अंदर से यूजर जो है उनको डाउनलोड करके दूसरे मशीन के अंदर यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। अभी देखते हैं, ये देखिए व्यू डिवाइस स्टेटस, यहाँ पे देखिए 1 1 1, एक फिंगर और एक यूजर यहाँ पे काउंट हो रहा है, लॉक्स में 0 आ रहा है अभी। ओके, अभी मशीन है, मैं इधर अटेंडेंस लगाता हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको यहाँ से डेटा डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये TD यहाँ पे टिक किया और यहाँ से स्टार्ट कनेक्टिंग, ये देखिए ये मशीन से में सक्सेसफुल होके डेटा जो है वो यहाँ से डाउनलोड हो गया है। उसके बाद में यहाँ से क्लोज, मास्टर और यहाँ एम्प्लॉय, यहाँ पे जाओगे देखिए यहाँ पे आपका एम्प्लॉय जितने भी होंगे यहाँ पे आपको शो कर देंगे और यहाँ से आपको एडिट, यहाँ से आपको नाम चेंज कर देना है और आपकी जो कंपनी का नाम है यहाँ से कंपनी का नाम सिलेक्ट करके यहाँ से आपको अपडेट, उसके बाद यहाँ से क्लोज, उसके बाद में अटेंडेंस, यहाँ से रिकैलकुलेट, यहाँ से कैलकुलेट, यहाँ से ओके। अटेंडेंस देखिए यहाँ पे डेली रिपोर्ट, ये सब डेली रिपोर्ट दिया हुआ है आपको, डेली रिपोर्ट के अंदर भी इतना ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, जो भी रिपोर्ट आपको अच्छा लगे, आपकी कंपनी में जो भी सूटेबल हो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे मंथली रिपोर्ट भी दिया हुआ है, यहाँ से आप मंथली रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दिया हुआ है। ईयरली रिपोर्ट आपको यहाँ से डाउनलोड करना है तो आप ईयरली रिपोर्ट भी इसके अंदर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लीव एंट्री, लीव का कितना एंट्री है यहाँ से आप कर सकते हो। आउटडोर एंट्री यहाँ से, डिपार्टमेंट समरी, डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको करना है तो आप डिपार्टमेंट के हिसाब से लीव समरी यहाँ से, रैंडम चेक ऑफ रिपोर्ट यहाँ से, लॉग रिपोर्ट यहाँ से, आपको जितना भी ये सब रिपोर्ट दिया हुआ है आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे कैंटीन का भी दिया हुआ है और यहाँ से मॉनिटरिंग अगर आपको करना है तो यहाँ पे मॉनिटरिंग भी है, कितने मतलब लाइव इधर शो करता है कितने लोग एबसेंट हैं और कितने प्रेजेंट हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं इसी तरह से नए नए वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।